रोहतास जिले के नासरीगंज थाना क्षेत्र के डेहरी नासरीगंज SH 15 पर सबदला गांव के समीप राजकीय प्राथमिक विद्यालय सबदला की छात्रा स्कॉर्पियो के धक्के से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना सुबह 9 बजे के आसपास की है। घायल छात्रा सबदला गांव के निवासी कलेंद्र सिंह की 7 वर्षीय पुत्री नीलम कुमारी बताई गई, जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय सबदला में कक्षा 2 की छात्रा थी। घटना के बाद स्कॉर्पियो चालक अपना वाहन लेकर फरार हो गया। बताया गया कि उक्त घायल छात्रा नीलम अपने घर से विद्यालय जा रही थी। आपके विद्यालय का बच्ची का एक्सीडेंट हुआ है, कैसे घटना? घर से स्कूल के लिए आ रही थी, आते समय में ये रोड पार कर रही थी, क्रॉस कर रही थी, उस समय इधर से एक स्कॉर्पियो आ रहा था, तेज रफ्तार में था, और विद्यालय के पास भी जगह कुछ भी नहीं है, ब्रेकर भी नहीं है, जिसकी वजह से उसकी दुर्घटना हो गया, चपेट में आ गई। क्या नाम है बच्ची का? नीलम कुमारी नाम उसका, बरवन की छात्रा है। कहाँ, घर कहाँ है वो उसका? घर इसी विद्यालय के सामने गांव सबदला है। आप लोगों की प्रशासन से कुछ मांगे हैं क्या? मांग हम लोग की है यहाँ पर जिला कुसुम के लिए। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार गुप्ता। जाम लगी हुई है, क्या मामला है? हाँ, यहाँ पर बच्चा पढ़ने के लिए यहाँ पर स्कूल है सामने में, यहाँ पर जा रही थी बच्ची सब जाते समय यहाँ पर न ब्रेकर है न किसी प्रकार की ठोकर है, यहाँ पर बच्चा सबको इतना दिक्कत हो जा रही है, कहीं ना कहीं एक बार नहीं यहाँ पर कम से कम 10 बार दुर्घटना का शिकार बच्चा सबको होना पड़ा। किसी को हाथ टूट गया, किसी को पैर टूट गया, किसी को मान मृत्यु भी हो गया है। क्या इस प्रकार की जो बात है, तो हम चाहेंगे कि प्रशासनिक सेवा से इसको कम से कम स्कूल के पास ब्रेकर दिया जाए। क्या बच्चे अभी मतलब अभी स्थिति अभी अच्छी है? चोट लग गया है, घाव लग गया है, अभी तो हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में हम जा करके अभी देख करके आ रहे हैं, मतलब अभी बोल चाल नहीं रही है, उसको रेफर कराने की हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, उसको भेज रहे हैं आगे कि वहाँ ले जाकर के सीटी स्कैन करा करके उसको व्यवस्था कराया जाए, क्या आगे की ट्रीटमेंट होगा वो डॉक्टर बताएंगे। क्या नाम है बच्ची का? बच्ची का नाम क्या चीज़ है? यही सब अदला गाँव की बच्ची है, सोलानी। किस गांव की थी? यही सबादला वार्ड नंबर 13 का।